जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों। दोस्तों यह जरूरी वीडियो है आपके लिए। जो भी साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन साथियों का जो साथी मेरे पे क्या है कमेंट कर रहे थे चैनल पे वीडियो पे, और वो कुछ लड़के कॉल करके पूछ भी रहे थे कि सर बताइए कि मेरी भर्ती अभी 26 तारीख को होने वाली है, 30 तारीख को है, इतने तारीख को है, मेरा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वहाँ पर अगर मेरा फिजिकल क्लियर होता है। तो जो भी साथी इंडियन अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। इस वीडियो में पूरा अंत तक आपको ए टू जेड तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन से वहाँ वेरिफिकेशन में चाहिए होता है, अन्यथा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाता है। कई लड़कों को मैंने देखा है जो क्या फिजिकल 100 का मारते हैं, लेकिन जब जैसे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वैसे ही कोई उनका डॉक्यूमेंट एकाध मिसिंग रहता है, जिसके कारण उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है तो दोस्तों आप ये गलती ना करिएगा, मैं आपको ए टू जेड तरीके से बताऊंगा और ये डॉक्यूमेंट मैं दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना है, इनको आप जरूर बनवा लें और जल्द से जल्द बनवा लें जिनकी भी नज़दीक भर्ती है। चलिए ये हमारे पास में जितने भी लड़के हैं इसमें से लगभग सभी लड़के इंडियन अग्निवीर तैयारी कर रहे हैं, और ये लड़के अमेठी यारों के हैं जिनकी भर्ती 26 दिसंबर को है, यानी कि आज से लगभग 10 से 12 दिन बाद इनकी भर्ती है। आइए हम इनसे बात कराते हैं। कब भर्ती आपकी? 26 दिसंबर सर। 26 दिसंबर है। हाँ आपकी कब है? 26 दिसंबर सर। आपकी? 26 दिसंबर सर। आपकी भी 26 दिसंबर। लगभग सभी लड़कों को दोस्तों हमारे पास जो लड़के हैं इनका सभी का जो कि इंडियन अग्निवीर के जीडी की तैयारी कर रहे हैं इनका 26 दिसंबर है। अब बात करते हैं कि इनका डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेगा। ठीक है, आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसको ले जाना है, चलिए शुरू करते हैं। नजदीक आइए आप दोस्तों। ये मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूरा क्रम वाइज सीरियल नंबर से लगा लिया हूँ, अपने पास में रखा हुआ हूँ, आपको क्रम वाइज क्रम बताऊंगा। सबसे नंबर एक पे आप क्या करेंगे, आधार कार्ड देख लीजिएगा। आधार कार्ड इस तरह से बनवा ले, आपके पास अगर होगा तो अच्छी बात है। इसमें ध्यान रखिए कि दोस्तों बहुत लड़कों को क्या रहता है कि सर मेरा नेम गलत है, मेरे पिताजी का नेम गलत है, और मेरा DOB कहीं ना कहीं एक नंबर का गलत है कहीं पर, वो मान्य है क्या? तो दोस्तों कभी आपका ऐसा है तो मान्य नहीं रहेगा, आप इसको आधार कार्ड को करेक्शन करा लीजिएगा। अभी समय है अपने पास, इसको अच्छे से करेक्शन करा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक, एक दो दिन में आपका करेक्शन होके सही, बिल्कुल हाई स्कूल के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रहा आपका आधार कार्ड। दूसरा रहा हमारा पैन कार्ड, ये देख लीजिएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है, आपके आधार कार्ड में हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ले लीजिएगा। और ये रहे हमारी फ़ोटो, ये हमारी साथी का फ़ोटो है दोस्तों। इस तरह क्या बैकग्राउंड देख लीजिएगा, वाइट कलर होना चाहिए। बहुत लड़के क्या है कि रंग बिरंगे बैकग्राउंड हो जाता है जिसके कारण वहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, जो नोटिफिकेशन है अग्निवीर के वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही इशू मेंशन वहाँ पर कर चुका है कि जो आपका फ़ोटो रहेगा उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट ही रहना चाहिए। ये 20 फ़ोटो आपको निकाल के अपने पास रख लेना है ताकि वहाँ पर मदद करे आपका, ले लीजिएगा। अब बात करते हैं ये रहा अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, इस तरह अपना क्या है, दो एडमिट कार्ड ले जाइएगा दोस्तों। दो एडमिट कार्ड इसलिए ले जाना है क्योंकि एक एडमिट कार्ड कभी बाई मिस्टेक कुछ हो जाता है, या वहाँ पे रनिंग में क्या होता है कभी कभी एडमिट कार्ड ही थमा के दौड़ा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो एडमिट कार्ड जरूर ले जाए। ठीक, ले लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हाई स्कूल, देख लीजिएगा हाई स्कूल बढ़िया सा इसको इस तरह देख लीजिएगा, अच्छे से चेक करके ले जाए। बहुत लड़के क्या जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट क्या करते हैं कि उल्टा सीधा लगा के जाते हैं, या कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाता है, उनको ध्यान नहीं रहता और वहाँ पे क्या बाहर कर दिए जाते हैं। समझ में आ रहा क्या? डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रॉपर चेक कर ले। और ये रहा दोस्तों इंटरमीडिएट है, आप इसको भी जरूर ले जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि पुलिस द्वारा वेरीफाई किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह पुलिस वेरिफिकेशन जो आप कह रहा जाता ना वही चीज़ें इस तरह यहाँ पे ऐसे ही होता है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट ले लीजिएगा दोस्तों। ये अपना हाई स्कूल जहाँ से इन्होंने किया था वहाँ से क्या चरित्र प्रमाण पत्र है स्कूल द्वारा दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये अपना आय हो गया, और ये जाति हो गया। कभी आप OBC SC ST है तो आप जाति जरूर ले जाए, और जनरल है तो जनरल में आपकी कास्ट नहीं लगेगी। ठीक, और ये अपना निवास हो गया, ये तीन चीज़ें कंपलसरी ज़रूर ले जाए। ठीक है, पकड़िएगा आप इसको। और दोस्तों ये रहा एफिडेविट, जो कि आप कचहरी से भी बनवा सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन की सुविधा है तो आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, देख लीजिएगा अच्छे से। ऐसे ही होता है एफिडेविट, आप अच्छे से इस तरह बनवा ले, बढ़िया से सील मोहर और फोटो ऐसे बढ़िया प्रॉपर इस तरह लगवा ले। ठीक है, इस तरह अगर रहेगा यकीन माने दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर कदापि कर ही नहीं सकते, ध्यान रखिएगा इसी तरह बनवाना है। ये तीन पेज का रहता है, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा,
तीन पेज का रहता है, देख लीजिएगा, ये ऐसे पेज है, नेक्स्ट पेज इसका दूसरा पेज, ठीक है, इस तरह देख लीजिएगा, इस तरह ऐसा ही रहेगा। और ये आधार कार्ड भी आप देख सकते हो, इसके साथ में संलग्न था, साथ में था, जो मेरे साथ ही थे, पकड़िएगा, ठीक है। और ये रहा चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि ग्राम पंचायत कोंदियारा से जो कि साथी अपना है वहाँ से इनका प्रधान जी सरपंच जी ने इनका चरित्र प्रमाण का इशू किया है, आप देख सकते हैं राहुल इनका नाम है, और इनका पूरा अच्छा से यहाँ पे बढ़िया वेरिफिकेशन किया है, ठीक है, ले लीजिएगा। और लास्ट में दोस्तों बचता है आपका अविवाहित चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं अविवाहित लिखा है, ग्राम पंचायत जी ने इनको इशू किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट को आप ले जाइए, मात्र इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा, ओरिजिनल में मात्र इतना ही लगेगा इसकी। आपको क्या करना है दोस्त, कि आपको इसको पांच पांच की फोटोकॉपी कर ले जाना है, इसको पांच पांच फोटोकॉपी इसके साथ में अवश्य रखें, उसको भी जरूर ले जाए, उसको साथ में ले जाए, ताकि अदर जब आप पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो वहाँ पे अदर जो वहाँ पे उनका आर्मी का जो उनका डॉक्यूमेंट रहता है वहाँ पर उनको लगता है, तो पाँच पाँच फोटोकॉपी भी जरूर ले जाए। ये आपने अगर डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिया तो गारंटी लेता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई बाहर नहीं कर सकता, इन डॉक्यूमेंट को जरूर बनाए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।